हाय फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप एक बहुत ही खास तरीके का इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाना सीखेंगे। यह बोर्ड आपके सभी विद्युत उपकरणों को शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करेगा। यह बोर्ड सिंगल फेज 220 वोल्ट पर चलने वाले सभी विद्युत उपकरणों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। इस बोर्ड में हम शॉर्ट सर्किट करके भी दिखाएंगे और देखेंगे कि कैसे बोर्ड का एमसीबी ऑफ होकर विद्युत उपकरणों को जैसे मोटर, पंखा, टीवी, कंप्यूटर आदि को सुरक्षा प्रदान करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका कनेक्शन करना। इस बोर्ड को बनाने के लिए हमें चाहिए एक बोर्ड, जैसा कि मैंने लिया है। इस पे एक सॉकेट लगाया है। ये सॉकेट 6 एम्पियर 220 वोल्ट का है। दो स्विच लगे हैं, ये भी 6 एम्पियर 220 वोल्ट के हैं। एक इंडिकेटर लगा है और एक बैटन होल्डर लगा है। अब हम चलते हैं, इसके कनेक्शन को दिखा देते हैं कि कैसे इसका कनेक्शन करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है जिससे आपको कनेक्शन करके दिखाने में आसानी हो सके। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम इस बोर्ड पे एमसीबी को फिट करेंगे। दोस्तों, ये एमसीबी 32 एम्पियर के हैं। हम यहाँ पे दो एमसीबी का प्रयोग करेंगे। एमसीबी का प्रयोग करने से पहले हमको जरूरी बातें ध्यान देनी होती है कि एमसीबी का कौन सा टर्मिनल बाहरी सप्लाई से जुड़ेगा और कौन सा टर्मिनल इस बोर्ड से जुड़ेगा। तो चलिए हम इसका कनेक्शन करके देखते हैं। तो इस बोर्ड में हम सबसे पहले एमसीबी के साथ कनेक्शन करेंगे। तो हमारा एमसीबी में सबसे पहले हम बाहरी जो सप्लाई हमारी जा रही है उससे हम एमसीबी को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक वायर लिया और एमसीबी के नीचे यहाँ पे जोड़ दिया। ध्यान रहे दोस्तों, हम एमसीबी के निचले पॉइंट से मेन सप्लाई वायर से जोड़ते हैं। ठीक है, तो हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने दो एमसीबी लिया है और यहाँ पे हम कनेक्ट करके आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ हम इस एमसीबी को मेन बोर्ड की सप्लाई से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने एमसीबी को मेन सप्लाई से जोड़ दिया है। हम इस बोर्ड से जोड़ेंगे, तो यहाँ से हम वायर लेंगे और एक ऐसे जुड़ेगा और दूसरा ऐसे इसमें जुड़ेगा। तो वैसे ही हम कनेक्शन करके दिखा देते हैं। अब यहाँ हम इस बोर्ड में बाकी का कनेक्शन करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं फिर से एक बार बता दूं कि यहाँ पे हमने एक सप्लाई वायर लिया था। ये सप्लाई वायर से नीचे एमसीबी में जुड़ा था, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा। और यहाँ फिर एमसीबी के ऊपरी टर्मिनल से यहाँ हम यहाँ पे जोड़ेंगे स्विच में और दूसरे से दूस सॉकेट में जोड़ेंगे। अब यहाँ हम बाकी का कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे एमसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल से हम इस बोर्ड का कनेक्शन करेंगे। ये हमारा काला वायर है। तो सबसे पहले हम एक वायर लेंगे जो काले वाले में रहेगा, तो यानी ऊपर एमसीबी के ऊपर जो लगा है। और यहाँ पे हम ये जो स्विच है, स्विच के दोनों दोनों टर्मिनलों पे हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा इंडिकेटर लगा है, इंडिकेशन लैंप, उसका भी हम एक सिरा लेंगे। कोई भी एक सिरा, जैसे कलर है तो हम इसका रेड कलर ही ले लिए हैं और यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे।
एमसीबी का जो ऊपर वाला सिरा है उसका दूसरा जो सिरा है उसको लेंगे, और सॉकेट के यहाँ पे देख सकते हैं ये न्यूट्रल होता है इसका राइट साइड वाला, तो राइट साइड वाले में कनेक्ट करेंगे, और इस साथ साथ ही इसमें कुछ और भी कनेक्ट करेंगे। हम देख लेते हैं क्या क्या होगा। ये जो हमारा बल्ब लगा है यानी बैटन होल्डर, उसका रेड उसका हम लेंगे ब्लैक वाला, यानी ये निगेटिव के लिए है। ये दोनों हो गए, और ये जो इंडिकेशन लैंप वाला है अर्थात इंडिकेटर वाला, उसको ये तीनों को एक साथ इस न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे। हम चाहें तो इसको अलग से टेपिंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा होल्डर का बचा हुआ दूसरा पॉइंट है उसको हम इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। और इस स्विच से इस सॉकेट को कनेक्ट कर देंगे, इस स्विच से इस सॉकेट को कनेक्ट कर देंगे। फिर ऊपर वाले टर्मिनल से एक हमने वायर डाला, और यहाँ पे इसके लेफ्ट वाले से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे सॉकेट का लेफ्ट सिरा ही पॉजिटिव सिरे का होता है और राइट वाला निगेटिव सिरे का होता है, और ये हमारा बोर्ड बन के पूरी तरीके से तैयार हो गया है। अब यहाँ हम इसको चेक करके दिखा देते हैं और शॉर्ट सर्किट परीक्षण करके भी दिखा देते हैं कि कैसे जब हमारा शॉर्ट सर्किट होगा तो इस बोर्ड में लगा एमसीबी ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाएगा। हम यहाँ इस बोर्ड को मेन सप्लाई के साथ जोड़ देंगे और दोस्तों चेक करेंगे कि क्या यह बोर्ड पूरी तरीके से कार्य कर रहा है, और शॉर्ट सर्किट होने पर क्या यह स्वतः अपने आप को ऑफ करके हमारे उपकरण यानी डिवाइस जो लगी होगी उसको सुरक्षित कर दे रहा है यानी बचा दे रहा है। तो मैंने इसको मेन सप्लाई से जोड़ दिया है। अब इसको हम इसको चालू करते हैं। यहां पे इस बोर्ड में लाइट आ चुकी है। Thank you.